हमारे आदमी को मारने वाले का पता चला? अभी तक नहीं। पता करो, डैडी जान गए तो तुम लोगों की खैर नहीं। जी जाओ। जी अच्छा। हेलो, मास बोल रहा हूं। क्यों बोलती बंद हो गई? जिंदगी में पहली बार घबराया हो। मैंने कहा था ना, 15 तारीख को तुझे डर का एहसास होगा। तूने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अब तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सुनोगे ना? शत्रु, मैं तुझे यूं ही नहीं मारूंगा, तड़पा के मारूंगा। सुना है तू शहर का बहुत बड़ा सूरमा है? इस वक्त मैं तेरे ही शहर में हूं। अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे रोकने की कोशिश कर, रोक नहीं पाएगा। आज सिर्फ तू जानता है कि तुझे मारने वाला कोई मर्द यहां आया है। 20 तारीख को ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी कमीने। क्यों, तेरे पालतू कुत्तों को मारकर सड़क पर किसने फेंका यही सोच रहे हो ना? वो भी मेरा ही काम था। 1 तारीख को मैं तेरी मौत बनकर तेरे सामने आऊंगा। शत्रु शत्रु, मास मास, दम है तो रोक ले। जो हुआ किसी को पता ना चले। हाय डैड। क्या हुआ? कोई आवाज सुनी? पड़ोस में कहीं गैस सिलेंडर फट गया था। इट्स ओके। भाई, लगता है कोई दूसरे भाई लोग हमको निशाना बना रहे हैं। अब तक हमारे 6 आदमी मारे गए, आज हमारे घर में बम फटा। आईजी से या मिनिस्टर से बात करके क्यों? वो सब हमारे पास आते हैं मदद के लिए। अब हम मदद के लिए उनके पास गए तो हमारी पावर कमजोर पड़ जाएगी। आप डैडी को बोल दे तो। ऐसी छोटी मोटी बातें हमें खुद निपटानी होंगी। जो कहा वो करो। ए, अभी अभी यहां से किसने फोन किया था? पता नहीं मालिक, बहुत से लोगों ने किया है। हाँ बोल। ये पीसीओ है भाई। एक लंबी की सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अमीर घर से रिश्ता आया है, शादी कर लो ये कह रहे हैं मेरे माँ बाप। वो नहीं बदलेंगे मीना, इसीलिए मैंने फैसला किया कि हम दोनों एक साथ मर जाएंगे। साथ जी नहीं सकते, साथ मर तो सकते हैं। बहुत खूब, फैसला वाकई बहुत बढ़िया है। कैसे मरना चाहोगे, पटरी पर सर रख के या समंदर में कूद के? आत्महत्या करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। उसमें से 1% हिम्मत भी हमें होती ना तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मीना का पैर ठीक हो जाए तो तुम्हारे घर वाले इनकार नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे सर। इसका पैर ठीक हो जाएगा, वो मेरा जिम्मा है। तुम लोग फिजूल की बातें मत करो। क्यों, प्यार है? ए भाई, क्या हाल है तुम्हारा? ओ तुम, कितने दिन हो गए तुमसे मिलके आए। खबर मिली थी कि घर में 10,000 रुपए हैं। जाके देखा तो बस 10 रुपए ही थे, और पकड़ा भी गया, अंदर चला गया था। अंदर खाना बहुत बढ़िया था। खाली बढ़िया होने से कुछ नहीं होता, भेजे में कुछ होना चाहिए। मुझे देखो, कैंसर को कैसे मेंटेन कर रहा हूँ। यार एक घोंचू है, महामूरख, कैंसर के नाम से कुछ भी करेगा। अरे 6.5 फुट की हाइट है उसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक चाकू का निशान। झूठ बोलने वाले 5 लोगों को उसने कत्ल किया है। वो इतना पावरफुल है हा? लेकिन मेरे सामने बच्चों की तरह रोता है। अब बोल कितना पावरफुल हूँ मैं। मुझे कैंसर है कहके खूखू खांसा तो 2,000 रुपया मिल गए। मच्छर की बुद्धि वाला भाई। रुको भैया, वही खत्म नहीं हुआ, फिर कल आवा रहा। भैया मुझे दिवाली के लिए पटाखे, मिठाई, नए नए कपड़े चाहिए, कहा तो वही लाने के लिए गया है। महामूरख है भैया, मालूम है। और का सुनो भैया, अभी नू वापस आएगा ना तो उससे हम कहेंगे भैया हमको 3 बेडरूम फ्लैट दिलवा दो, और कु 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 करेंगे ना तो वो भी दिला देगा। उसका तो भेजा नहीं है। अमिताभ बच्चन की हाइट का है, मुझे कैंसर सुनते ही बच्चों की तरह रोता है। और उसके साथ चार चमचे भी होते हैं, एक एक की ये हाइट है, करके रोते हैं। एक की भी अकल नहीं है, सबके सब गेंडे हैं भैया। Ha 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 ha
मैंने उस देवता के बारे में कहा था ना, यही है। आप आ गए देवता। छोड़ दो मालिक, अरे गलती हो गई हमसे। अरे इंस्पेक्टर, पास मर्डर करने वाला राजू नायक बोल रहा हूँ। आप सिटी सेंटर के पास छड़ा मर्डर करने वाला हूँ। क्यों रे, तो मेरा शक्ल देख के मरना चाहता था ना? ले पूरी कर, इसकी खबर तो हम लोग ले लेंगे। आप परेशान मत होइए। अगर मैं पास गई तो भाव खाएगा, मैं भी एक्सरसाइज करूंगी, खुदा जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। हेलो, आ गया आ गया आ गया। हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा, तुम भी डेली एक्सरसाइज करते हो? वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हें भी शौक है? ए, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करती तो उस दिन दूसरे काम में मन ही नहीं लगता। कल रात देर से सोई थी, वरना मैं 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करती हूँ। गुड, एक्सरसाइज करने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखा, लाइन पे आ रहा है। बॉडी एकदम फिट रहती है। अच्छा, ये कैसा है? ये देखो, यहाँ पे कैसा है ये? रुको भाई, दूर से। ऐसी भी लड़कियाँ होती है जो सुबह 10 बजे उठती है और टीवी के सामने बैठ के सीरियल देखा करती है। मुझे वो सब पसंद नहीं। लड़की ऐसी हो जो सुबह सुबह उठे, एक्सरसाइज करे, भगवान की थोड़ी सी पूजा करे, माता पिता को कॉफी पिलाए और उनसे आशीर्वाद लेकर पढ़ाई लिखाई करे। अच्छा? हाँ। बेटी प्रिया, क्या कर रही हो? एक्सरसाइज कर रही हूँ। क्या मजाक कर रही हो? रोज 10 बजे तो उठती हो, वो भी तब जब मैं कॉफी लाकर 50 बार उठाती हूँ। हाँ, सूरज पश्चिम से निकला है क्या जो 6 बजे उठ गई? हेलो, अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज। माँ की तो आदत है, जो करती रहती है। जो करने वाली माँ नहीं तुम हो। हाँ, रोज 10 बजे उठने वाली लड़की 5:30 बजे क्यों उठी ये भी नहीं समझ सकते। ए काशी, उतर, काम पटा के जल्दी आ जाना। ए, तू भी अपनी वाली से बोलना कि जल्दी से छोड़ दे, सिटी सेंटर भी तो जाना है। हाँ, जल्दी आ जाऊंगा, तू जा। कम ऑन डार्लिंग सोफिया। हे, अबे कौन है तू? मास मास। नहीं, मुझे मत मारो, नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे मत मारो, ना, नो नो, ना मुझे मत मारो, ना ना नो। वो बाबू, 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 क्या हो गया तुम्हें? बाबू, 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 मास ने सत्या के 2 गुंडों को मार दिया। आखिर में सत्या से टक्कर लेने वाला कोई आया है? कौन है वो? है कोई मास? इस खबर से लगता है सत्या और शत्रु का बुरा वक्त आ गया। सत्या और शत्रु के नाम से ये लोग ही जुल्म किया करते थे। वो तो है। ए, हा, आजा, सब आजा। सुनो शाम, दीदी सब नीचे आ जाओ। अरे सुनाओ, सबके लिए खुशखबरी है, सत्या के आदमी काशी और बाबू मारे गए। मास नाम का कोई आदमी है जिसने ये काम किया। दीदी दीदी देखो, दीदी तुम्हारे पति को मारने वाले को मास ने मार दिया। देखो दीदी, अरे देखो, तुम लोग भी देखो, देखो भाई भाई भाई, किसी मास ने सत्या के 2 आदमियों को खत्म कर दिया। सारा शहर कहता है कि अब सत्या से टक्कर लेने वाला मर्द आ गया है। हटो 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 भाई हटो। वो जो भी है उस्ताद है, उस्ताद। तुमने क्या कहा? मार दिया सत्या के आदमियों को, मार दिया, सच में मार दिया। ये वही है, वही है, ये इन्हें किसने मारा बेटा? किसी मास ने मारा। मास? वो भगवान है, भगवान है, भगवान स्वयं मांस बन के आया है। मांस का भला होगा, भला होगा, जरूर होगा। मैं और भी पूजा करूंगा, दुर्गा मैया की पूजा करूंगा। ए ऑटो, कौन है? 2 साल बाद बाहर निकला है। इनकी बेटी की शादी के दूसरे दिन ही दामाद का खून हो गया। वो एक म्युनिसिपल ऑफिसर था, किसी जमीन के कब्जे के लफड़े में सत्या ने उसे मरवा दिया। उसी रात बेटी ने फांसी लगा ली।
उस दिन से सत्या की बर्बादी के लिए प्रार्थना करते हुए कमरे में बंद था। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ए, हमारी समस्याओं का हल करना उस्ताद मास जो आया है। और तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हो जाए फिक्र मत करना, चलो 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 सब चलो 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 चलो। शत्रु फौरन ऊपर आओ। बैठो बैठो। क्या हो रहा है बेझिझक बताओ। डैड, आपसे मैंने एक बात छुपाई थी। कोई मास है, उसने मुझे धमकी दी कि पब्लिक के सामने हमें कमजोर साबित करेगा। अब उसने काशी और बाबू को मार के साबित कर दिया कि हम कमजोर हैं। और क्या कहा उसने? पब्लिक के मन में हमारा जो डर है वो मिटाएगा और पहली तारीख को मुझे खत्म करेगा, ऐसी वार्निंग भी दी है। रहता कहाँ है? नहीं जानता। दिखता कैसा है? नहीं जानता। ये सब क्यों कर रहा है? नहीं जानता। तुम्हें डर लग रहा है? डर नहीं है डैड, पहली तारीख को उससे सामना करने का इंतजार है। फिर गलती कर रहे हो। उसने जो कहा तो उसने से दो काम कर दिए, और तीसरी धमकी पब्लिक के मन से हमारा डर मिटा देना। पब्लिक के सामने वो हमें कहां मार सकता है? जहां हम हफ्ता वसूली किया करते हैं वहां। अगर हमारे आदमियों को मार्केट में मारा तो लोगों के मन से हमारा डर मिट जाएगा, यही उसका प्लान है। लेकिन वो नहीं जानता कि हम भी वहां तैयार रहेंगे। परसों बाद किसी ने हमें दिमाग चलाने पर मजबूर किया है। जाने कहां पैदा हुआ होगा, पर मरेगा यहां। भैया आओ। रेशमा, मंदिर होके आ रही हूं। तुम फीकी पड़ गई हो, हॉस्पिटल नहीं गई? गई थी, रास्ते में सत्या के गुंडे एक बुजुर्ग को मार रहे थे तो मैं वहीं से लौट आई। लोगों के मन से सत्या के नाम का खौफ मिटाने का दिन आ गया। बोल, कौन है मास? बोल, नहीं जानता। गंगू!
यस मर गया साला कम ऑन चलो